कहते हैं ना, मन में अगर उड़ने की चाहत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आज भले ही अंग्रेजी हमारे देश में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा हो गई हो, वहीं अभी भी ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश बोलने तो छोड़िए, बस सोचने से ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियननेस। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार की रहने वाली एक सुपर लेडी आशा खेमका के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआती समय यानी कि 25 सालों तक इंग्लिश बोलना तो दूर, इंग्लिश की कभी ठीक से पढ़ाई तक नहीं की थी। लेकिन अपनी इच्छा और मेहनत के दम पर आज आशा ब्रिटेन के फेमस बेस्ट नॉटिंघम शायर कॉलेज की CEO और प्रिंसिपल तक बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, आशा खेमका को एशियन बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में जन्मी आशा खेमका का जन्म 21 अक्टूबर 1951 में हुआ था। और वहीं आशा के पिता की बात करें तो उनके पिता अपने समय के एक सफल बिजनेसमैन रह चुके थे। आशा के घर में पैसों की कोई कमी और तंगी तो रही नहीं, लेकिन उनके घर की औरतों को घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं थी और ना ही लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज। यही वजह रही कि मात्र 13 साल की उम्र में आशा का स्कूल बंद कर दिया गया। फिर 1966 में जब आशा 15 साल की हुई तो उनको देखने के लिए लड़के वाले आ गए, और आशा की लाख मना करने के बाद भी उनकी माँ ने उनके हाथ में साड़ी थमा दी और तैयार होने के लिए कह दिया। उसी दिन आशा की सगाई तो हो गई और फिर रिश्ता पक्का हो गया। 3 साल बाद 18 साल की उम्र में आशा की शादी मेडिकल में पढ़ाई कर रहे पति शंकर लाल खेमका के साथ हो गई, और यह शादी आशा खेमका के लिए नई आशा की किरण लेकर आई। आशा की तरह उनके पति को भी पढ़ने का बहुत शौक था। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी भी उनकी तरह पढ़ी लिखी हो, और यहीं से शुरू हुआ आशा का सफ़र। आशा के पति ने आशा की हर बात में उनका साथ देते हुए उनकी दोबारा से पढ़ने की इच्छा को पूरा किया। वहीं इस बीच 21 से 24 साल की उम्र में आशा 3 बच्चों की माँ बन गई। 1978 में आशा के पति को डॉक्टर बनने के बाद इंग्लैंड के एक बड़े हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में भेजा गया, जिसके बाद आशा अपने पति और बच्चों के साथ ब्रिटेन आ गई। आशा इंग्लैंड पहुंच तो गई, लेकिन मुश्किल से 12वीं पास होने के कारण आशा को ना तो इंग्लिश बोलनी आती थी और ना ही लिखनी। अब बच्चों के बड़े होने पर आशा ने ब्रिटेन में ही पढ़ाई के साथ इंग्लिश सीखने का फैसला कर लिया। उन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से हिंदी मीडियम से बिजनेस डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के बीच में ही आशा ने सिर्फ TV और इंटरनेट की मदद से ही इंग्लिश बोलना और लिखना तक सीख लिया। डिग्री लेने के बाद ही आशा आसवेस्ट्री कॉलेज में इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाने लगी, और वहीं 2006 में आशा वेस्ट नॉटिंघम कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई। आपको बता दें कि ये कॉलेज इंग्लैंड के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक माना जाता है। आशा का सफ़र यहीं नहीं रुका। प्रिंसिपल बनने के बाद आशा खेमका को एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया चेयरपर्सन चुना गया। शिक्षा को सबसे ऊपर मानने वाली आशा खेमका ने द इंस्पायर एंड अचीव फाउंडेशन नाम की चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। ये ट्रस्ट 16 से 24 साल के उन युवाओं को शिक्षा और रोजगार देता है जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते। उनकी शिक्षा के फील्ड में अतुलनीय योगदान के लिए आशा को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए और सम्मानों के साथ उन्हें कई बार नवाजा गया। 2013 में आशा को ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक डेम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डैम की पदवी को महिलाओं के लिए नाइटहुड पदवी यानी कि सर की पदवी के समान माना जाता है, और इस सम्मान को पाने वाली आशा दूसरी भारतीय महिला हैं। ये पदवी आशा से पहले 1931 में मध्य प्रदेश की महारानी लक्ष्मी देवी को मिली थी। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इंडियननेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। We'll be right back.